झारखंड में एक फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। अवैध खनन मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना है। ईडी के समक्ष होने वाली पूछताछ के बाद राज्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं। सत्ताधारी दल जेएमएम ने राज्य में बड़ी रैली और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, इसके क्या मायने हैं? झारखंड स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस नहीं पहुंचे, इसे लेकर कई राजनीतिक सवाल खड़े हैं। इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए राज्य में बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय में पेश होने के लिए 16 नवंबर की तारीख का अनुरोध किया था, जिसे भी ईडी ने खारिज कर दिया। स्थापना दिवस की रात में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई। कल मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष पेश होना है। अब कल की रणनीति की तैयारी आज तेज है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने से पहले यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में भविष्य की रणनीति और संभावनाओं पर चर्चा होगी, साथ ही बैठक में कई स्थितियों से निपटने पर भी चर्चा होगी। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। देर शाम फिर मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक रखी गई है। कल मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो विधायक दल की बैठक हुई और यह तय हुआ कि महागठबंधन के सभी विधायकों को रांची में रहने का आदेश दिया जाए। कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक करने का निर्णय लिया है। खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विधायक दल की अलग अलग बैठक होगी। इस बैठक के बाद शाम को यूपीए विधायक दल की बैठक होगी। सभी विधायकों को राजधानी में ही रुकने का निर्देश दिया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।